अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ अनमशिक आपके साथ। और मैं निमिषा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले आज के एपिसोड में क्या कुछ मसालेदार और यू नो इंटरेस्टिंग मिलने वाला है आपको आज के एपिसोड में, जो कि आज एपिसोड में बहुत कुछ सारे दिल टूटने वाले हैं। किसी का तो दिल ज़रूर टूटेगा और वो हम सबको पता है किसका टूटने वाला है। नेमी जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कहीं पे दिल टूटेगा तो कहीं और जुड़ जाए, मिल रहे हैं ऐसा भी लग रहा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप सबको पता था कि वीकेंड का वार में सलमान खान आए थे, और जब भी सलमान वीकेंड का वार में आते हैं किसी ना किसी को साथ में ज़रूर लेके जाते हैं। तो इस बार उन्होंने कहा कि घर जी को घर से बाहर निकाल दिया है। सबको ऐसा लग रहा है घर वालों को कि वो घर से बाहर निकल गए हैं, पर हकीकत कुछ और है। अनूप जी सीक्रेट रूम में है, जहाँ वो आप सबको ही को पता है सीक्रेट रूम होता क्या है। सीक्रेट रूम में एक इंसान यू नो बैठा रहता है और हर जगह वो देखता रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको सब कुछ दिखाई और सुनाई देता है। तो इस बार सीक्रेट रूम में है अनूप जी और जसलीन है घर के अंदर, बट जसलीन को ये नहीं पता कि अनूप जी सीक्रेट रूम से उनको देख रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि वो घर से बेघर हो चुके हैं, इसलिए अब सब लोग जसलीन को पूछ रहे हैं। स्पेशली रोमिल पूछता हुआ नजर आ रहा है हमें कि तो क्या अनूप जी घर से बाहर हो गए हैं, तो क्या अब आप सिंगल हो? और इसके ऊपर जसलीन ने बोला कि हाँ जी बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं रात में हमने एक एपिसोड में देखा था, कल के एपिसोड में देखा था रात में हमने, कि दीपक और रोमिल कुछ बातें कर रहे होते, जिस पर रोमिल कहते हैं कि जसलीन से उनसे कहा था या फिर पूछा था कि अगर हम लिविंग में रहते हैं तो हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। तो ये सोचकर आपको पता चल गया होगा कि जसलीन की क्या कुछ इच्छाएं हैं, इरादे हैं, जो वो रोमिल से पूछ रही हैं। और आज जब आज के एपिसोड में आपको ये देखने मिलेगा कि दोनों भी चेंजिंग रूम में होते, जसलीन और शिवाशीष, जैसे कि आप सबको पता है शुरू से शिवाशीष जसलीन को काफ़ी पसंद करते हैं, और इस बार ऐसा लग रहा है कि जब चेंजिंग रूम में रहते हैं तो शिवाशीष उनके सामने जान उसके शर्ट उतारते हैं, जिस पर श्रीशांत कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, मतलब अनूप जी चले गए तो अभी आप ये सब करोगे, जिस पर जसलीन हंस कर कुछ जवाब नहीं देती, कुछ जवाब नहीं देती है। पर वो जो उनकी हंसी होती है वो देख कर अनूप जी जो है थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल, कि ये क्या कर रहे हो जसलीन। जी हाँ, और वो फिर एक और एक यू नो क्लिप में दिखाया जाता है कि जसलीन और अनूप जो जसलीन और शिवाशीष जो है वो खाने बैठते एक ही प्लेट में दोनों खा रहे होते हैं, और वो काफ़ी मस्ती मजाक कर रही होती है शिवाशीष से, दोनों साथ में ऐसा हाथ पकड़े हुए होते हैं। हाँ। जिस पर अनूप जी को बहुत बुलाता है, वो कहते हैं कि जसलीन तुम मुझे मिस भी नहीं कर रही, तुम्हें मेरे जाने का दुख नहीं है ज़रा भी। तो इन शॉर्ट ये कुछ मसाला आपको मिलने वाला है आज के एपिसोड में, जिसमें जसलीन और अनूप और शिवाशीष का ट्रायंगल लव देखने मिलेगा आपको। एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है टीआरपी बढ़ाने का बिग बॉस की। हो सकता है कि ये टीआरपी बढ़ाने के लिए भी हो, क्या पता उनका सच में रिश्ता टूट जाए। बिल्कुल, वो तो अनूप जी ने पहले ही बोल दिया था कि अब मैं सिंगल खेलूंगा जसलीन के साथ नहीं हूँ, क्योंकि टास्क में जसलीन ने जो है वो अनूप जी के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे। हाँ, लेकिन उसके बाद दोनों डेट पर गए थे, फिर उनका पैचअप हो गया था। हाँ। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में दोनों का सच में ब्रेकअप होने वाला है। घर से निकलने से पहले तो मतलब बिग बॉस के घर में ये हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी हाँ, और जब यू नो जब सलमान खान ने टाइम दिया था उनको दोनों को कि सोच लो आप जसलीन और अनूप के तुम्हें किसको जाना है, जहाँ पर सलमान खुद कह रहे थे कि जसलीन देखो कह भी नहीं रही है कि मैं जाऊँ, और वो रो भी नहीं रही है ज़रा सा, तो आप सोच सकते हैं जब सलमान खान को ये बात पता चल गई तो ऑडियंसेस तो क्या क्या कुछ कहेंगी, और थोड़े टाइम में अनूप जी को भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, कि अब जसलीन ये जो भी सब कुछ था शायद बिग बॉस के घर में उनके साथ आने के लिए उन्होंने exactly, ये किया होगा। एग्जैक्टली, तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, जसलीन अनूप जी के लिए लॉयल है या नहीं, और क्या इनका रिश्ता टिक पाएगा कि नहीं बिग बॉस के घर में, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और तब तक फिल्मी मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड टिल देन कीप स्माइलिंग।